इससे पहले मैं सवाल बता चुका हूँ इस टाइप का कि केवल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले केवल पर्सन को पढ़ना है लिख क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो साफ साफ लिख रहा है यहाँ पर कि केवल यदि हमने इस तरीके से लिख लिया, आधे नंबर आपके तुरंत पक्के हैं, कुछ नहीं करना है, बस इनको रट लो एक तरीके से। चित्र में यदि रखा है यहाँ पर, चित्र में यदि एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी क्या है, एल एम जो है समांतर है सी बी के और एल एन पैरेलल है, यानी समांतर है किसके, सी डी के, हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी बराबर है। यानी ये दोनों हमें प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब यहाँ पर क्या है, चित्र के अनुसार बोल रहा, तो चित्र इस तरीके से पर्सन के अंदर बना हुआ ही आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। वहां इससे पहले वाले में बना के दिखाया था, बना था, लेकिन यहाँ पे बना हुआ ही दे रखा है, चित्र भी दे रखा है, पर्सन भी दे रखा है और चित्र भी दे रखा है। और क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि एल एम है वो पैलर है सी बी के, यानी जो हमारे पास जो एल एम है, अब कौन सा वाला देखो, ये वाला एल एम जो है, ये वाला, ये एल एम ही तो है, एल से एम, क्या हमारे पास ये सी बी के, तो यहाँ सी बी कर लो, ये बी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ए बी सी, और ये कर लेंगे डी। यहाँ पर तो हमारे पास क्या गया, ये वाला हमारे पास, ये एल एम जो है वो सी बी के पैलर है, ऐसे बोल रहा, जो एल एन है वो किसके, सी डी के पैलर है, यानी हमारे पास में ए बी सी डी ये दे रखे हैं उसने, पर्सन में ही दे रखे हैं, जो एल एम है ये वाला इसके पैलर है, जो एल एन है ये इसके सी डी के पैलर है, ये हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है क्या कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है, तो ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बस कुछ नहीं करना है, पिरसन से उतार दोगे तो आधे नंबर पक्के हैं, और आगे करोगे तो फिर ये नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे आपके। तो लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया क्या रखा है, पिरसन के अंदर दिया हुआ होता है, यहाँ दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, उन्होंने रेखाखंड दे रखा, इसमें दे रखा है चित्र में कि एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड ही तो हमारे पास में, ये अभी रेखाखंड मतलब जो रेखा खींची जाती है इस तरीके से खींची गई रेखा रेखाखंड कहलाती है हमारे पास में। तो दे रखी है इसने हमारे पास में कि जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है, यानी जो एल एम है वो इसके सी बी बोलूँ या बी सी बोलूँ के समांतर है, दे रखी है उसने चित्र में, और पर्सन के अंदर भी उतार रखी है, और ऐसे हमारे पास में जो एल एन है वो किसके, सी डी के, इतना दिया है उसने, ये दे रखा, दिया में हमने लिख दिया भाई हमें पर्सन में ये दे रखा है। फिर करना हमें सिद्ध करना है, लिखना है सिद्ध करने में क्या दे रखा, सिद्ध कीजिए, आगे सिद्ध करने में लिख रखा, जो लिख रखा वही हमने लिख दिया, सेम टू सेम क्या लिख दिया कि जो ए एम है अपॉन ए बी के बराबर ए एन है अपॉन ए डी के, ये इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चित्र हमने बना दिया, बस केवल अगर इतना भी आप करेंगे, केवल पर्सन से उतारना, कुछ अलग से नहीं कर रहा है, आपके आधे नंबर पक्के हैं। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई है, उपपत्ति में आपको पता होगी जो जो दे रखा है, इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब आंसर यदि हमारा नहीं आता है, सुन ले पहले, यदि आंसर हमारे पास हमसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा लिखेंगे बीच में और लास्ट से आंसर लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर आंसर दिया हुआ होता है, आपको 100% नंबर दे के जाएगा, एग्जामिनर होगा, पूरे भी दे सकता है या 6 का अगर पर्सन है तो 5 भी दे सकता है। तो आप केवल कुछ नहीं करना, फिर लिखनी उपपत्ति, और हम अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो जब बतला रहा हूँ, आप बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं है और आपके सामने पर्सन आ गया, तब आप ये काम कर देंगे, आपको जब भी नंबर मिल जाएंगे। अब उपपत्ति, मेन चीज़ उपपत्ति, ध्यान समझेंगे। देखा त्रिभुज ए बी सी में, भुजा ए बी पर, अभी हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, उसमें भुजा ए बी पर बिंदु एम, ऐसी भुजा ए सी पर बिंदु एल, जिसमें रेखाखंड क्या है, एल एम सी बी है, किसके, एल एम हमारे पास पैरेलल है सी बी के, मतलब कहने का चाह रहा है, लाइन को समझो, त्रिभुज ए बी सी में अभी हमारे पास एक पूरा बना हुआ, तो देखो अभी यहाँ इसमें एक त्रिभुज नहीं बनना है हमारे पास, ऐसे ए बी और सी त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया, दिखाई दे रहा या नहीं, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी बनना है इसके अंदर हमारे पास। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर, यानी इस वाली रेखा पर ए बी पर बिंदु एम, तो बिंदु एम ये रहा, तथा भुजा ए सी पर, ऐसी हमारे पास में भुजा हमारे पास क्या है, ये ए सी है, ऐसी ए सी पर ये ए सी भुजा आ गई, एक तो हमारे पास ए बी हो गई तो इस पर एम है, ऐसी ए सी पर क्या हमारे पास एल है, ये हमारे पास क्या है बिंदु एल है, जिसका रेखाखंड क्या है, हम कह सकते हैं जो एल एम है वो सी बी के क्या है, पैरेलल है। भाई इस पर बिंदु एम है और इस पर बिंदु एल है, ए बी पर एम है, ए सी पे एल है, तो ये हमारे पास जो एल एम है किसके, वो बी सी के तो समांतर होगा, पैरेलल होगा, दे भी रखा है, हम जानते भी हैं, वो हमने जैसा था ऐसी हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसके अंदर, भाई हमने क्या करा था, समानुपाती वाली फिर में थेल्स फिर में पढ़ी थी, भाई थेल्स फिर में पढ़ कर आए समानुपाती वाली, हम क्या पढ़ते हैं, रेशो, हम क्या जानते हैं, भाई इसका रेशो ए एम अपॉन ए एम बी, ये जानते नहीं जानते, वो हमने लिख दिया कि ए एम अपॉन एम बी। फिर इसी तरीके से हमारे पास ए एल अपॉन एल सी,
बराबर होती है, इसलिए हम जानते हैं हम समानुपाती प्रमेय आग पढ़ के आ चुके हैं। थेलसोरम वो हमने ऐसी जैसी थी लिख दी हमने। अब इसमें हमने क्या करा, इसी को ही इसलिए आगे जाके हमने इसका कर दिया व्युत्क्रमणी, उल्टा कर दिया हमने, कर दिया एम बी को तो ऊपर लिख लिया और एम को नीचे लिख लिया, ऐसी एल सी को ऊपर और एल को नीचे। तो देखो एम ऊपर हो, एम बी ऊपर हो गया, ए एम नीचे, ऐसी एल सी ऊपर होगा, ए एल नीचे हो गया, नीचे भी लिख दिया हमने आगे के व्युत्क्रम करने पर। अब इसी प्रकार से हमने क्या करा कि इसमें इसी वाले पद में दोनों ओर दोनों पक्षों में वन जोड़ दिया, कि अगर हमने अपने पास से दोनों पक्षों में वन जोड़ दिया, तो वन जोड़ने पर जब हमने वन जोड़ा तो हम क्या करेंगे इसके ले लेंगे फिर एलसीएम, या नीचे वन मानकर, जब नीचे वन मानकर एलसीएम लेंगे तो हमारे नीचे एएम आ गया, ऊपर एएम प्लस एमबी बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब एएल लेंगे एलसीएम तो यहाँ पर एएल आ गया, ऊपर एएल प्लस एलसी बन गया। क्लियर? अब हम ये जानते हैं सभी कि भाई जो एएम है वो एमबी बराबर किसके होगा, एबी के तो होगा। भाई देख लो ए एम प्लस एम बी, भाई मैंने माना ये पाँच है, ये पाँच है, तो पूरी कितनी दस ही तो होगी, तो ये ए एम प्लस एम बी बराबर किसके, ए बी के तो बराबर है, पर दोनों जुड़ के तो भाई ए बी बनेगी, ए एम प्लस एम बी को जोड़ दूँ तो बराबर किसके, ए बी के तो बन जाएगी, तो ये लिख रहा है यहाँ पर ए एम प्लस एम बी किसके, ए बी के आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा अपोन में ये ए एम है तो एम ऐसे ही रहेगा, फिर ऐसे हमारे पास में ए एल प्लस एल सी, यानी ये वाली ए एल प्लस एल सी किसके बराबर, पूरी जोड़ने पर ए सी बन जाएगी। भाई ये पूरी ए सी है, यहाँ तक ए एल है और यहाँ तक एल सी है, तो दोनों जोड़ने पर ए एल प्लस एल सी जोड़ने पर ए सी बन जाएगी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए सी। ठीक है, अब इसी को हमने क्या काम करा, फिर इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, ए एम को ऊपर ए बी को नीचे, ऐसी ए एल को ऊपर ए सी को नीचे, समीकरण नंबर मान ली हमने एक, क्योंकि हम चूँकि ये जानते भी हैं वो बात जो हमने यहाँ जोड़ के बताई है कि हम जानते हैं ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी और ए सी बराबर क्या होता है ए एल प्लस एल सी, ये हमने यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया, बहुत ही सिंपल है। अब हमें करना क्या, इसी प्रकार से जैसे हमने ये त्रिभुज लिया, ये वाला कौन सा लिया था हमने, ये त्रिभुज ए बी सी तो लिया, ये वाला त्रिभुज हमने ये ए बी सी लिया, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम कुछ नहीं करना, दूसरा त्रिभुज लेना, कौन सा वाला जो नीचे बनना है, कौन सा बनना, ए सी डी। भाई एक तो हमारे पास ये बनना था ए बी सी, ये वाला ऊपर, एक बनना ये वाला, जैसे हमने इसमें रूल लगाया सेम टू सेम ऐसे इसमें लगाएंगे, सेम टू सेम त्रिभुज हमने मान लिया इसी प्रकार ए सी डी में, और हम क्या जानते हैं भाई इस वाली भुजा किस पर, ए ए डी पर, ऐसी भुजा किस पर, ए सी पर, तो ए डी पर तो हमारे पास एन है और ए एल पर कितना हमारा एल है, जैसे हमने यहाँ लिखा लिख के दिखा सकते हैं, पर हमने इसमें लिखा नहीं, हमने डायरेक्टली त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर क्या लिख दिया, समानुपाती प्रमेय लगा दी, क्या कि ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी, तो लगा दिया हमने कि ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी, यानी इसमें हमने समानुपाती प्रमेय फिर लगा दी, जैसे हमने ऊपर लगाई सेम इसमें ऐसी लगा दी, फिर इसी तरीके से हमने उसका व्युत्क्रम कर दिया, जैसे हमने इसमें करा था इसको ऊपर लिख दिया इसको नीचे लिख दिया, फिर इसे ऐसे इसमें हमने वन जोड़ दिया, जब दोनों में वन जोड़ दिया फिर इसका हमने एलसीएम लिया, तो ऊपर ए एन अपॉन एन डी बन गया, वो ए एल अपॉन एल सी बन गया। सेम इसी प्रकार से जब भी हमने ए एन को प्लस एन डी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर, ए डी के हो जाएगी, ऐसी ए एल अपॉन एल सी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या ए सी बन जाएगी। सेम वही हमने यहाँ लिख दिया कि पूरा ए एन प्लस एन डी बराबर ए डी और ए एल प्लस एल सी बराबर ए सी, फिर इसको हमने फिर उल्टा कर दिया ए एन को ऊपर ए डी को नीचे, फिर ए एल को ऊपर ए सी को नीचे, समीकरण नंबर मान ली हमने दो। इसी प्रकार हम कह सकते हैं समीकरण एक और दो से, तो ध्यान से देखो दोनों में ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी है नहीं है, है दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए अपॉन ए डी के, तो हमारे पास क्या हुआ प्रूफ होकर आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, फिगर बना के रखना है, भी हमें रटना भी नहीं है, फिगर बना के रखना है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो दे रखा है दिया में भी है, जो सिद्ध करना वो भी दे रखा है, बस आपको करना कुछ नहीं है, जो प्रेशर में दे रखा है वो दिया में उतार देंगे, सिद्ध करने में जो दे रखा है वो सिद्ध करने में उतार देंगे, चित्र दे रखा है तो चित्र बना देंगे, यदि अपने पास इसमें कुछ जोड़ते हैं तो रचना में उसको लिख देंगे, ये हमारी बात होगी पूरी। फिर उत्पत्ति में इसमें क्या करना, कैसे याद रखना कि हमारे पास ये याद रहे, हमें याद बस इतनी बात रखनी है कि भाई हमें इसमें दो त्रिभुज बनने हैं, तो पहले तो एक बार हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, जैसे हमने इसमें ए बी सी लिया है, एक बार त्रिभुज लेंगे इस वाले में जो ए सी डी बनना है वो हमने उधर लिखा है। अब दोनों त्रिभुज में क्या करा हमने, बस इतना याद रखना कि दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज में समानुपाती की प्रमेय लगाएंगे कि एम अपॉन एम बी, ऐसी ए एल अपॉन एल सी, ऐसी दूसरी वाले में ए एन अपॉन एन डी, और ऐसे यहाँ पर हमारा तो ए एन अपॉन एन डी आ गया यहाँ पर, भाई ए एन और एन डी, ऐसी हमारा ए एल और एल सी, यानी दोनों को हमने क्या करा समानुपाती प्रमेय लगाई, दोनों में वन जोड़ा और वन जोड़ के एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने हमारे पास में दोनों हमारे पास बन जाएंगे, यानी ये भुजा बराबर पूरी भुजा, ऐसी ये भुजा और ये भुजा बराबर पूरी भुजा, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, बराबर रखने क्योंकि इस दो इन दोनों में कॉमन आ रहा, अगर मैं इस त्रिभुज को लूँ तो इसमें हमारे पास ए एल बी को ये आ रहा है, अगर इस त्रिभुज को लेता हूँ तब भी इसमें हमारे पास ये वाली ए सी लाइन आ रही है पूरी, भाई इस त्रिभुज के लिए भी ये वाली आ रही है, इस त्रिभुज के लिए तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमारे पास क्या बराबर रख देंगे, तो हमारे पास ये सिद्ध होकर आ जाएगा।
आपको दो चार पॉइंट बस याद रखने हैं और ये एग्जाम के लिए 100% आ सकता है। और या नहीं ये भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से तो आएगा। और ये हम जानते हैं जब हमें थ्योरम, ये हमारे पास थेल्स थ्योरम, ठीक है, और कौन सी पाइथागोरस प्रमेय और समान हमारे समरूप त्रिभुज, ये तीन थ्योरम्स हैं, इनमें से दो इंपॉर्टेंट हैं, थेल्स थ्योरम्स समानुपाती वाली और पाइथागोरस। इन्हें अच्छी तरीके से कर लो और कैसे भी प्रश्न आ जाए आपसे छूटेगा नहीं, आपके पूरे पूरे नंबर पक्के हैं। क्लियर है बात?